कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और देखिए सुबह का टाइम है, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं अभी जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पर बैठी है देखिए नव्या और मनु। ये देखिए बाबू, हेलो बोलो, हेलो बोलो, हेलो हेलो, करो क्लैपिंग। और ये देखिए यहाँ पर मनु है। देखिए गाइस, सुबह सुबह साफ सुथरी रसोई होती है तो काम करने में कितना अच्छा लगता है। और ये देखिए अब यहाँ पर मैंने आटा रख दिया और तवा रख दिया है गैस पर और दाल गरम करने के लिए रख दी है। और अभी मैं सेकूंगी फुलके पहले, फिर किचन साफ़ करो सुबह सुबह उठ के, उसके बाद फिर काम वगैरह करो। अगर किचन साफ़ रहता तो सीधा अपना नहाने के बाद अपने काम पर लग जाता है इंसान, इसीलिए पहले अपना किचन रात को ही मैं साफ़ कर ही सोती हूँ। बर्तन तो डेली ही, पर झाड़ू वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, सिर्फ पोछा पोछा लगा देती हूँ, पोछे से ही सारा उठा देती हूँ जो भी कचरा वगैरह होता है नीचे का। और कि डस्टबिन ज़रूर क्लीन करके रखते हैं रात, क्योंकि डस्टबिन ही है जिससे कि गंदगी फैलती है, इसीलिए रात को उसको साफ करके रख देना चाहिए। सारी रात में वो सूख जाता है तो सुबह अपना उठकर उसमें पन्नी लगा दो, पन्नी लगाने के बाद उसके अंदर सारा कचरा वगैरह इकट्ठा कर लेती हूँ फिर मैं। और देखिए गाइस, सुबह के बाद ये सीधी वीडियो है शाम की, क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैं नव्या को लेकर लेट गई थी थोड़ी देर आराम करने के लिए, और उसके बाद सीधा मैंने शाम को ये वीडियो बनाया था। और ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ पकोड़े बनाने की तैयारी, क्योंकि ये बोल रहे थे काफ़ी दिन से कि हमने फ्रेंच फ्राइज़ पकोड़े ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम हो चुका है कि बनाई नहीं है, बस ब्रेड पकोड़े ही बनाए थे लास्ट टाइम जो आपके साथ वीडियो में शेयर किए थे। और ये बोल रहे थे कि बहुत दिन हो चुके हैं, फिर मैंने सोचा चलो आज इनकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। और इधर मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और उधर मैं कर रही हूँ मसाला वगैरह डाल लिया है उसके अंदर। मैंने सिर्फ ज़्यादा आलू नहीं डाले हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ थोड़े से हैं कि चाय के साथ इनका नाश्ता हो जाए बस शाम का। और इसके अंदर मैंने डाले हैं पतले पतले स्लाइस कर आलू, और एक दो प्याज डाली है छोटी छोटी सी, वो भी स्लाइस में डाली है, और थोड़ी सी डाली है मेथी, जो सुबह मैंने मेथी ली थी आज सब्ज़ी वाला आया था तो उसमें से थोड़े से पत्ते डाल दिए हैं मेथी के इसके अंदर। और हल्दी नमक मिर्ची ये सब डालने के बाद, और सरसों के तेल में ही आज मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। सरसों के तेल से क्या होता है कि बहुत क्रिस्पी बनते हैं, एकदम कुरकुरे कुरकुरे से, इसीलिए फिर मैंने आज ये सरसों के तेल में ही बनाए हैं। और ये देखिए इधर मैंने फर्स्ट बैच डाल दिया है, अब ये इतना फ्राई होगा इतना फिर मैं चाय देखती रहूँगी, साथ साथ इस तरफ चाय रखी हुई है। और हमारा यहाँ पर पकोड़े भी सिक रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर आ गई थी रूहानी, रूहानी के पैर में लग गई थी आज थोड़ी सी चोट, क्योंकि वो उछल कूद सी कर रही थी तो बेड से उसके चोट लग गई थी। ये देखिए इसके पापा इसको छेड़ रहे हैं, अभी ये सोकर उठ कर आई। देखिए गाइस इधर आ चुकी हैं मन्नी, और ये बोल रही थी मम्मा बहुत टेस्टी बने हैं, अभी ये थोड़े से लेकर गई थी अपने लिए। और ये आ चुकी है दोबारा से, बोल रही है मम्मा मेरे वो पकोड़े ख़त्म हो चुके हैं और दे दीजिए मुझे। और यहाँ पर बोल रही है देखिए टेस्ट कर देखिए, मैंने कहा नहीं बाबू आप खा लो। और बोल रही थी आपने इसके अंदर क्या क्या डाला है,
फिर मैंने इसको बता दिया और यहाँ पर इसके पापा भी आ गए थे, बोल रहे थे चाय बन गई क्या, क्योंकि जब ऐसी चीज़ बनती है तो थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। आज चाय भी थोड़ा लेट हो गई थी और इसीलिए फिर सभी चाय पूछ रहे थे, क्योंकि 5:15 का टाइम हो चुका था। और ये देखिए इधर हमारे पकोड़े बनकर हो चुके, और यहाँ पर लगा दी है मैंने प्लेट, और अब मैं देकर आऊँगी अंदर चाय। और देखिए यहाँ पर इनको मैंने चाय दे दी है, फिर यहाँ पर ये चाय पी रहे हैं। यहाँ पर चल रही है नव्या की मस्ती, और यहाँ पर मैं इसके कपड़े वगैरह तय कर रही थी। आज दिन में कपड़े वगैरह धोए थे तो सभी कपड़े तय कर कर मैं रख रही थी, और ये अपनी बास्केट के ऊपर खड़ी हो रही थी। ये देखिए अब थोड़ी देर में ये अपने आप ही इस बास्केट को पकड़ कर खड़ी हो जाएगी। अभी इसका ये जो हाथ में डाल रखा है इसने धागा, इसका ये फंस गया था इस टोकरी के छेद के अंदर, तो परेशान हो रही थी कि मेरा ये हाथ कहाँ फंस गया। फिर मैंने इसका हाथ में से जो वो मोती है वो फंस गया था उसको निकाला। फिर अब खुश है ये, खेल रही है, देखना अभी थोड़ी देर के अंदर उठकर खेलने लगेगी इसके ऊपर चढ़कर। और यहाँ पर आज इन्होंने किया था प्रैंक, जो नवे के कपड़े छोटे हो गए थे, मैंने उसको एक कमीज के अंदर, उसकी टोपी वाली कमीज है जो, उसके अंदर भर दिया था कपड़ों को, तो ये सारे उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। ये देखिए पूरी को डरा दिया इन्होंने, और ये देखिए अब ये पहुँच गई है अपने दादू के पास, और कंबल में उस कपड़े को ले रखा है इसने, और यहाँ पर गिरा देंगी, और ये प्रैंक करने में लगी हुई है। ये कंबल गिरा तो पापा ने सोचा कि नव्या को गिरा दिया है, फिर पापा इनको बोल रहे थे कि लो गिरा दिया इसको। देखिए गाइस इधर मैं बना रही हूँ सोयाबीन की बड़ी, और इधर ये मैंने बड़ियाँ तलने के लिए रख दी हैं, और इधर ये बन रहा है मसाला, और यहाँ पर ये मसाला भून लूँगी। इधर मैंने ये आलू काट कर रख लिए हैं, अब इनमें डाल दूँगी पानी, क्योंकि आलू काले ना पड़ जाए इसलिए इनको पानी डालकर रख दूँगी मैं। और ये देखिए हमारी सोयाबीन की बड़ियाँ कितनी अच्छी से फ्राई हो चुकी हैं, और इनमें से कुछ बड़ियों को मैं दे दूँगी बच्चों को खाने के लिए। ये देखिए इधर ये खाने के लिए खड़ी है कि मम्मा मुझे ये सोयाबीन की बड़ी दे दो। बच्चों को नमक डालकर ये बहुत टेस्टी लगती हैं, और इसीलिए अब मैं इनको ये डालकर दे दूँगी, क्योंकि इनमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं, और ये खाने के लिए सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो देखिए इधर हमारा मसाला भुनकर हो चुका है तैयार अच्छे से, पूरा मसाला हमारा भुन चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी मसाले। यहाँ पर दे दी है मैंने बच्चों को सोयाबीन की जो बड़ी तली थी मैंने, अब उनको नमक डाल कर दे दूँगी। यहाँ पर डाल दिया मैंने थोड़ा सा नमक, और ये बना दूँगी जो ब्राउन वाले कटोरी में रखी है इसकी सब्ज़ी बना दूँगी। और ये बच्चों को दे दी है मैंने बढ़िया, और अभी यहाँ पर डाल दूँगी मैं मसाला, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर थोड़ा सा गरम मसाला, और हमारा मसाला भुनकर हो जाएगा थोड़ी देर में तैयार। और आज बनाई है आलू बड़े की सब्ज़ी। और मनु और नव्या खेल रही हैं अंदर, और मनु का है कल पेपर मंडे को, और उसका मैथ का पेपर है, और रूहानी का इंग्लिश का पेपर है, तो सुबह उनको जल्दी उठाना है मुझे, और फिर वो पेपर की तैयारी कर लेंगी। और इधर मैं ये क्लीन कर रख दूँगी सब कुछ, और साथ के साथ कपड़ा लगाती रहती हूँ मैं सभी चीज़ों पर, तो इतना गंदा नहीं होता। और इधर मैंने आलू धो लिए थे, और उसके बाद डाल दी है बड़ी, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर हो चुकी है तैयार, और इधर मैं सेक दूँगी फुलके। और इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।